उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो, जी ये सुनकर के ही डर लगता है तुम्हें, क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा, बट बाद में मामा ने उससे उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर, बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा जा बोल के। तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए, बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रेवना जी, आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसके लिए आपके साथ ही, जैसा मैंने कहा, आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है उसकी अपनी एक अहमियत है और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, एक बेटे का अभिनंदन करने के साथ साथ आज आपने उनके माँ के त्याग और माँ की अभिलाषाओं को भी प्रणाम किया है, उसके लिए मैं हम सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। एक और बेटी त्रिपुरा से आपसे संवाद के लिए जुड़ना चाहेगी, उनका नाम है पुहबी चक्रवर्ती। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। वो भी बताइए, आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो, सुना है हमने। जी सर। बताइए। सर मेरा इनोवेशन एक्चुअली दो किया है, एक है स्पाइरोमीटर नाम के एक चीज है जिसके लिए मैंने एक GUI बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो जो COVID-19 के लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत खराब होते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी, तो क्योंकि COVID-19 सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने ये GUI इसलिए बनाया है ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो दूसरा इनोवेशन है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट। सर मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ, उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं वहाँ पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाई जो शायद एक महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज मिल सके, उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज मिल सके जो एक अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट को भी। ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी? सर कॉमन मैन को भी काम आएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी के नेतृत्व में, देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसमें आपके ये ऐप का उपयोग हो सकता है? हाँ सर ऐप का उपयोग हो सकता है। तो आपने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, योजनाएं हैं, उसको स्टडी किया है? हाँ सर कुछ कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया अगर था। उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझता हूँ
कि वो बहुत उपयोगी होगा और कुछ स्टार्टअप वाले पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, स्टार्टअप वाले अपना स्टार्टअप बना देंगे। अच्छा, आप ये सारा काम करती हो? हाँ सर। तो तुम्हारे स्कूल का ये एनवायरनमेंट है, मित्रों का है कि परिवार का है? सर सभी का ही है, स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जब भी छुट्टी मांगू दे देते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली स्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करती है कि स्कूल के परसेंटेज थोड़ा कम आए फिर भी ठीक है, फिर भी इनोवेशन में तू ध्यान दे, तो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी तुम्हारे साथ कौन कौन बैठा है? सर मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। चलिए उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये तुम्हारी छोटी बहन है? नहीं सर, ये 2021 के अवार्डी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लेबोरेटरी में या अपने कंप्यूटर पे दुनिया खपाती रहती हो, डिजिटल डिवाइसेस पर खेलती रहती हो और फिर खेलकूद के मैदान में भी चली जाती हो, क्या बात है? हाँ सर, सर मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए, और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करती हूँ सर। चलिए पूर्वी, आप एक खिलाड़ी भी हैं, इनोवेशन भी करती हैं और आपके मन में लोगों के लिए प्यार भी है, न्यूट्रिशन की चिंता करती है, आपने बहुत ही प्रेरक काम किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके परिवारजनों को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। नवाचार की दुनिया से प्रधानमंत्री जी अब आपका डिजिटली परिचय करवाना चाहेंगे एक वीर बालक से। बालक का नाम है धीरज कुमार, जो जुड़ रहे हैं हमसे बिहार से। माननीय नमस्कार सर। धीरज नमस्ते जी सर। चलिए, आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है जी। धीरज बताइए, आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए, कैसे सामना किया आपने? हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए, तो हम नदी किनारा बैठ गए, हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पे, तो चिल्लाया तो मैं गया तो मेरे गोड़ में लंगड़ी से मार दिया, तभी मैं घायल हो गया था, तभी के भी उनको घींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए चुपचाप रहा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था जी, तो इस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था और अब याद करता है? उस भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। अच्छा, घटना जब इतनी हुई, खून दिखता होगा, मगर इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था, अगल बगल कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हिम्मत आई है, अब तो लोग तुम्हें अखबारों में नाम छप गया, लोग तुम्हें बातें करते होंगे, तो क्या तुम्हारा भी कोई पसंदीदा कोई सुपर हीरो है क्या जी? हैं? ऐसा नहीं है कुछ मन में? आपका सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं तो आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल लिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। आगे क्या बनने के लिए सोच रहे हो धीरज? फौजी, फौजी बनकर देश का सेवा। फौज में जाना है जी? चलिए, फिर तो देशभक्ति भी उतनी भरी पड़ी है आपके अंदर,
मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी, वीर धीरज के बाद अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है, जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे। मेधांश नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेधांश बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला, सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में, तो मैंने उसमें काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है, तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए। एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ। सर, उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर, मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं एंड मेरे फादर एंड डीएम मैम एंड इनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली, माँ बाप ने डाली है, स्कूल में कॉलेज में डाली, क्या हुआ? सर, मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड, तो उन्होंने मुझे काफी एक्सप्लोर किया, सिखाया। एंड मुझे मेरे फादर से काफी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं। एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फेसबुक गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डेवलप करूं और समाज की सेवा कर सकूं। मेधांश, आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें, उस स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई, आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी, आपका विशेष आग्रह रहा है कि बच्चों को खेलकूद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। आपने विशेष रूप से उन बेटियों का अभिनंदन किया है जिन्होंने खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। आज खेल के जगत से एक छोटी सी बेटी आपके हस्तों से पुरस्कृत भी हुई और अब संवाद के लिए आतुर है। मैं आपकी अनुमति से तारुषी गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी चंडीगढ़ से। तारुषी, नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तारू जी, पहले लोग कहा करते थे कि खेल खेलने से पढ़ाई में बाधा आती है, आपको क्या लगता है, सच है क्या? आप पढ़ाई और खेल में तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। दोनों का अपना एक अच्छा, एक अलग महत्व होता है। पढ़ाई करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और खेल से तो हम अपने देश का गौरव कर सकते हैं, हम देश को ऊंचा नाम दे सकते हैं। तो पढ़ाई और खेल दोनों करते हुए हम अपने देश को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और देश को प्राउड भी कर सकते हैं। आपके साथ कौन कौन है तारुषी? सर, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं,
और हमारे राज्य के डीसी सर हैं। अच्छा, तो तारू जी ये विचार सब कहाँ से आया तुम्हें? चंडीगढ़ कब से रहती हो? सर मैं काफी समय से चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करके चंडीगढ़ के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप मैरी कॉम को अपना आदर्श मानती हैं, और उनकी कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? सर मैरी कॉम की अनेक खूबियां हैं, अगर मैं बताने लगूं तो पूरी मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। मुझे मैरी कॉम इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे को सिखाती है कि हमारी लाइफ में, हमारे स्पोर्ट्स में कितनी भी स्ट्रगल आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, हमें उसे पार करके अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। उन्होंने इंडिया का नाम भी प्राउड किया है और उसके साथ साथ वो एक एक्सेलेंट मदर भी हैं, वाइफ और बेटी भी हैं, तो वो अपने खेल और पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस भी करती हैं। तारू जी आप इतनी सीरियस सीरियस बातें क्यों करती हो? सर मैं सीरियस बातें नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे देश का नाम ऊंचा करना है, इसलिए मैं डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रीम पे ही एम करूँ। अच्छा, पहली बार विदेश गई तब उम्र कितनी थी तुम्हारी? सर इस समय, इस उम्र में मैं अभी विदेश नहीं गई हूँ क्योंकि अभी तक एज कैटेगरी नहीं थी, तो मैं सबसे खिलाड़ी हूँ जिसको डिग्री 1 ब्लैक बेल्ट और ब्लैक बेल्ट डिग्री 2 भी मिली है। देखिए, आपने छोटी सी उम्र में बहुत सी उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से हमारी कोशिश यही है कि हम अपने खिलाड़ियों को हर तरह से सपोर्ट करें। इससे भी बड़ी कोशिश है कि हम ये भाव जगा सके कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में किसी भी स्तर पर संघर्ष करते रहें, जीतते रहें और जीत सकते हैं। आप जैसे युवा खिलाड़ियों को देखकर मुझे बहुत संतोष होता है। आपने जो लक्ष्य बनाया है उसमें पूरा देश आपके साथ है। आप जम करके मेहनत कीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, इस संवाद के लिए हर बच्चे की ओर से, उनके अभिभावकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ अब आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में मात्र सर्टिफिकेट नहीं बल्कि हर बच्चे को उनके बैंक के अकाउंट में आप 1,00,000 रुपए की राशि भी देते हैं। आप इस राशि को डिजिटली ट्रांसफर करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 2022 के सभी विजेताओं के अकाउंट में 1,00,000 रुपए की पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, आज मात्र पुरस्कृत बच्चे ही नहीं बल्कि देश भर से, सभी प्रदेशों से बच्चे, उनके अभिभावक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। हम सब अभिलाषी हैं कि आपके शुभाशीष इस अवसर पर हम प्राप्त करें।